निकल गई ना। अक्का आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अक्का आप आ तो रही हैं ना, आप जानती हैं ना कि आज का फंक्शन मेरे लिए कितना स्पेशल है और आपको इस फंक्शन में मेरे लिए शामिल होना ही होगा। अक्का आप प्लीज आ जाओ ना, मैंने आपके लिए बिल्कुल सबसे अलग बैठने की अरेंजमेंट कर दी है। आप आ रही है ना प्लीज? आ रही हूँ मीका, आ रही हूँ। ओके ग्रेट, मैं आपका वेट कर रही हूँ, हम जल्दी से आ जाइए, बस निकल रही है। ग्रेट। मीका चिट्टी, क्या आपने ईशिमा को बताया कि आप रोमी चाचू से शादी करने वाले हैं? आदि, मैं अक्का को सब बताना चाहती थी पर उस वक्त टाइम बिल्कुल सही नहीं था, इसीलिए मैं उन्हें बता भी नहीं सकी। पर आज जब वो एक बार सारे फैमिली मेंबर्स को अच्छे से देख लेंगी ना, उसके बाद मैं आराम से उन्हें सब बता दूंगी। मीका चिट्टी, आप दादी और दादू को तो इन्वाइट कर ही सकते थे ना, एटलीस्ट ईशिमा के लिए। आदि, मेरा प्लान तो यही था, मैं उन्हें बुलाना चाहती थी पर श्रवुक हो गया और फिर वो सारा ड्रामा हो गया और मुझे लगा कि ऐसे हालात में उन्हें यहाँ इनवाइट करना ठीक नहीं रहेगा। अब एक्सक्यूज मी, नमस्ते। ईशिमा प्लीज आप जल्दी से आ जाओ, काश मैं आपको और पापा को मिला पाता, बट आई एम श्योर वो घड़ी भी जल्दी आ जाएगी। सर, वो बैंक्वेट मैनेजर ने आपको बुलाया है, चलो लेट्स गो। चलिए। आपने मुझे बच्चा समझा है पापा, 21 साल का हो गया हूं मैं जो चाहे वो करूंगा, जहां जाना है वहां जाऊंगा। जैसे तू हमारी औलाद है वैसे ही रोमी भी हमारी औलाद है। आई होप कि सारे एग्जॉटिक ड्रिंक्स आ चुके, क्योंकि आज की पार्टी में सब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेस टाइकून्स आने वाले, सो मेक श्योर कुछ भी लिमिटेड ना हो, कुछ भी। जी सर, डोंट वरी, सब कुछ कंट्रोल में है। लगता है कोई गेस्ट पहले ही पीके टल्ली हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ आप लोग संगीत शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। ओके, अटेंशन एवरीवन, मैं आप सबके 2 मिनट लेना चाहूंगा प्लीज। मीका यहाँ आओ। कहते हैं कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है, बहुत कम लोग होते हैं जिन पे आंख बंद करके भरोसा किया जाए, बहुत कम लोग होते हैं जो खुशी में गम में एक दूसरे का साथ देते हैं, और मैं उन लकी लोगों में से एक हूँ। मीका थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच इतने सालों मेरे साथ खड़े रहने के लिए, आज मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। आज मैं सब लोगों के सामने ये वादा करता हूँ कि हर बुरे वक्त में, खुशी में, हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा। आई प्रोमिस, आई रियली लव यू। ईशिमा क्यों नहीं आई अभी तक? सब लोग इतनी खुशी से एंजॉय कर रहे हैं, काश वो यहाँ होती तो सबको देख पाती।
was useful. Really? Meeka, tumhari aur Romi ki jodi super hai. Thank you, Peri Amma. Meeka aur Romi ka rishta jodkar bahut khush hai ye Madras. Inhe ye nahi pata ki is rishte se Raman aur inki problem aur badh jayegi. मैं ईशु को फोन करूं या नहीं पता नहीं, वहां संगीत में क्या हो रहा होगा. ईशु ने कहा था कि वो सबसे छिपके रहेगी, लेकिन अगर किसी ने उसे देख लिया तो. वो पहले कितनी नर्वस थी. हेलो हेलो मिस्टर राघव, मैं रूहान की मॉम बोल रही हूँ. यस यस, थैंक गॉड फाइनली. मैं आप ही के फोन का वेट कर रहा था. आई मीन आपकी तरफ से किसी कॉन्फर्मेशन का. मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया सिर्फ इसी शूट के लिए आया हूं और आपके मैनेजर ने अभी तक कुछ कंफर्म ही नहीं किया. कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे. अब होल्ड ऑन मिस्टर राघव, मैंने आपको किसी और सिलसिले में फोन किया है. मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि हमें आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा. व्हाट? लेकिन क्यों? और आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे कर सकती हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया सिर्फ इसी शूट के लिए आया हूं और ये आपकी कंडीशन थी कि शूट इंडिया में होगा. और जब सब कुछ अग्री कर चुके हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, तो फिर कैंसिल क्यों कर रही हैं आप? ओह हाय, I understand. Mr. Raman Bhalla ने खरीद लिया आपको, right? हाँ. और वो हमें अच्छा अमाउंट भी दे रहे हैं. और वैसे भी वो आपके सारे एक्सपेंसेस कवर करने के लिए तैयार है. अब रूहान को एक्सक्लूसिवली साइन करना चाहते हैं तो फिर इसमें बुराई क्या है? आपका अगर कोई और कंपनसेशन हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं, वो भी रिकवर हो जाएगा. Listen, आपकी तरह मैं भी बिजनेस पर्सन हूँ और मैं समझता हूँ कि at the end of the day, all that matters is profits. ठीक है, अगर पीयू इंडस्ट्रीज के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करने से आपको फायदा हो रहा है तो आई अंडरस्टैंड. लेकिन फिर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत क्या थी आपको? देखिए, मेरे पास आपका साइन किया हुआ लीगल डॉक्यूमेंट है. अगर आप उसे ऑनर नहीं करेंगी तो मुझे कोर्ट जाना होगा. नहीं नहीं मिस्टर राघव, आप गलत समझ रहे हैं. मैं आपसे वो थोड़ी कह रही हूँ. और ये कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने की जरूरत है. हम एक काम करते हैं ना, अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी है तो लेट्स मीट एंड देन वी विल टॉक. या सो दैट वी बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर वेल. अच्छे से समझ पाएंगे हम चीजों को, है ना? आप समझ रहे हैं? तो आप प्लीज बता दीजिए हम कब और कहाँ मिल सकते हैं रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट. मुझे इनसे होटल मिलेनियम में मिलना चाहिए. मुझे इशू से भी वही मिलना है. ठीक है, तो आप होटल मिलेनियम के बिजनेस सेंटर में मिले मुझे थोड़ी देर में. ओके कूल, थैंक यू. Yeah, see you. पता नहीं ये सही हो रहा है या गलत. अगर ये शूट नहीं हुआ तो एक तरह से सही है. ईशु और रमन एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर ये शूट नहीं हुआ तो मेरा बिजनेस, मेरे एम्प्लॉयज जो इस शूट से कितना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ये शूट नहीं हुआ तो इशू को भी बहुत बुरा लगेगा. I have to try my best. मैंने इशू को प्रॉमिस किया है. I just hope सब ठीक हो जाए. And I just hope कि उस संगीत में भी सब ठीक हो रहा हो. क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई है? सर ये उनका मोबाइल है. 3 मिस कॉल्स, किसी मिहिर का मिस कॉल है. हेलो. अरे भाई कहाँ है आप? कब से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ. आई हैव सम इंपॉर्टेंट न्यूज़. जी देखिए, मैं होटल मिलेनियम का बार मैनेजर बोल रहा हूँ. ये आपके दोस्त यहाँ पीके तमाशा कर रहे हैं. आप प्लीज यहाँ आइए और इन्हें यहाँ से ले जाइए. फुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं ये. वन सेकेंड प्लीज काम डाउन, मैं अभी आ रहा हूँ. Out of control.
दुखी होया? आपने खाना क्यों वापस भेज दिया? देखो आज आपकी बिटिया आपको अपने हाथ से खिलाएगी। आ करो। नहीं सिम्मे, मेरा पेट भरा हुआ है। मैं शाम को नाश्ता ज्यादा कर लिया था, मैंने भूख नहीं है। अच्छा, वैसे मामा मैं शक्ल से आपको बुद्धू लग रही हूँ। आपको क्या लगता है कि आप मुझे झूठ बोलोगे और मैं मान जाऊंगी? आपकी बेटी हूँ मैं। मम्मा आपको तकलीफ होती है ना, तो मेरा दिल भी बहुत रोता है। मुझे बताओ कि आपको रोमी के संगीत में जाना है ना? नहीं नहीं, पागल है क्या? मेरे बेटे ने मुझे खुद नहीं बुलाया तो मैं क्यों जाऊं उधर? नहीं मामा, मुझे तो लगता है कि हमें जाना चाहिए, मैं जरूर जाना चाहिए। भाई मैं जाना चाहती हूँ अपने भाई के संगीत में। अब वो अलग बात है कि उसने हमें नहीं बुलाया, लेकिन मम्मा आप जानती हो ना कि वो अपटू है, बचपन से ही ऐसा है वो। लेकिन उसकी जान ना आपके अंदर बसती है, वो आपको बहुत प्यार करता है मम्मा। अब मुझे नहीं पता, हम तो वहां पर जा रहे हैं। मैं आपके लिए एक अच्छा शलवार कमीज निकालती हूँ, आप फटाफट रेडी हो जाओ, ठीक है? नहीं नहीं सिम्मे, अगर उधर कोई तमाशा हो गया तो रोमी तो हमारी बेइज्जती कर देगा। मुझे नहीं लगता कि रोमी की हिम्मत होगी हमें कुछ कहने की, और अगर अगर उसने कुछ कहा ना तो वो भी जानता है कि मैंने उसकी कौन सी बात अब तक छुपा रखी है। चोरी करेगा तू? ये बना दिया ना उस अशोक ने तुझे, अपने भाई के ऑफिस में चोरी करेगा, क्या कैदी डालेगा? नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना आपको। और एक बात बताऊँ आपको, दूर है तो क्या हुआ, वो है तो हमारे घर का बेटा ना भाई, हमारा हक बनता है उसके संगीत में जाने का। आप चिंता मत करो, और मैं देखती हूँ कि हमें कौन रोकता है वहां पे। शराब पीने पर है कि मुझे मरे हुए लोग नजर आ गए। इश्ता नजर आ रही है। तू इश्ता होने? इश्ता होना तू? इश्ता नहीं। कौन है इसमें?
बोलिए, कोई है? तुम तो सीता हो भी नहीं सकती। वो तो मतलब ही खुद का सौरत मर गई, खिला छोड़ के चले गए मुझे। वो पदे करते क्यों जब निभाना नहीं जानते? ऐसे छोड़ के चले जाते, तुम हेल्प क्यों कर? तुम्हें वही चाहिए ना रुपया? पैसे बस पैसे चाहिए ना तुम्हें? ये सुनो, पैसों की करते ना सब कुछ, मुझे नहीं चाहिए कुछ। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? मेरा भाई शादी कर रहा है, सारे रिश्ते छोड़ दिए इन्हीं पैसों के लिए। मेरा बेटा अपने बाप से छुपाने लगा है चीजें ऐसे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज कल सब लोग ये 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 सीधी करते हैं। अभी अकेला हो जाता है पैसे पैसे नहीं हो तो। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।